अखिलेश यादव का ये गुस्सा लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद का है। अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में जाना था। अखिलेश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें प्लेन पर चढ़ने से रोक दिया गया। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे और हंगामा करने लगे। प्रयागराज में भी अपने नेता का इंतजार कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन को घेरने की कोशिश की। पुलिस से झड़प में कई सपा कार्यकर्ता घायल भी हो गए। सदन में भी मामला गूंजा। समाजवादी पार्टी के सांसद दोनों सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी 2019 में अपनी हार को देखकर बौखला गई है। अखिलेश यादव लखनऊ से प्रयागराज नहीं जा सकते, ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये मानवाधिकार हनन का विषय है कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपनी निश्चित पराजय को देखते हुए बौखला गई है और वो इसी तरह की ऊटपटांग हरकतें पूरे देश में करेगी। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने से मायावती भी आग बबूला है। हाल ही में ट्विटर पर सक्रिय हुई मायावती ने अखिलेश यादव को समर्थन देने में देर नहीं लगाई और ट्वीट कर अखिलेश यादव को रोके जाने को तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को रोके जाने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर किया गया। प्रयागराज में कुंभ है, वहां 25 से 30 लाख लोग रोज आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अराजकता के लिए जानी जाती है, इसलिए अखिलेश यादव को रोका गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव कुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज गए थे और उस समय उन्हें किसी ने नहीं रोका था। प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक सारे कार्यक्रम वहां आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है, इसलिए वहां पर प्रशासन ने उनको रोका होगा। यूपी सरकार ने उस पत्र को भी जारी किया जिसमें अखिलेश यादव को 11 फरवरी को ही कार्यक्रम पर रोक की जानकारी दे दी गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कल ही अखिलेश यादव के निजी सचिव को यह पत्र भेज दिया था, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी कायम रही। वो मीडिया के सामने आए और योगी सरकार के फैसले को तानाशाही करार दिया। मुझे इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। सरकार की ताकत देखो आप, वो जाकर के अधिकारी जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया, और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैल जाने जा रहे थे इलाहाबाद में। योगी सरकार ने आज भले ही इस फैसले के पीछे कानून व्यवस्था को कारण बताया हो, लेकिन वो खुद भी समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह के रोक को झेल चुके हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने योगी आदित्यनाथ की रैली को इजाजत देने से मना कर दिया था। ममता बैनर्जी ने इसके पीछे भी कानून व्यवस्था को ही कारण बताया था। देश में भी चुनाव का माहौल है और आने वाले दिनों में इस तरह के फैसले देश को आगे भी देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।